Hi everyone, welcome back to my channel. So today I am going to react on Triggered Insaan new video, and this video is Rui Rai roast, social media influencing gone too far. Alright, हम बहुत सारे already इस type के videos देख चुके हैं. अब ये किसी नए बकरे को पकड़ा है, sorry. So I think without any further ado, let's start the video. तो ये बात है कल शाम की. मैं यूं ही सोशल मीडिया पर वीडियोस हांड रहा था कि तभी अचानक मुझे ये वीडियो दिखाई दी. आपने सुसु करते वक्त अपने पी का शेप नोटिस किया है, और अगर किया है तो इस शेप का क्यों होता है, कभी सोचा है? इसका शेप कैसा होता है कुछ गुथे हुए आटे से हम समझ सकते हैं. निकलते वक्त धार फैली हुई होती है, फिर आगे बढ़ते हुए वो अपने पिछले धार के परपेंडिकुलरली फैल जाती है और दिखने में कुछ इस तरह से दिखती है. जब भी ऑरिफिस यानी कि छेद रेक्टेंगल शेप का होगा, तब पानी डालने पर इसी तरह का धार बनेगा. वाटर ड्रॉप अपना सरफेस टेंशन मिनिमम रखने के लिए अपना शेप स्फेरिकल. निकलते वक्त तो धार का शेप रेक्टेंगल होगा, लेकिन नीचे आते वक्त अपने सरफेस टेंशन को मिनिमम करने के लिए स्फेरिकल शेप लेगा. लेकिन पहले से कुछ मोमेंटम होने के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और आगे भी इसी मोमेंटम के कारण शेप बदलता रहेगा. ठीक जैसे ये बबल अपने सरफेस टेंशन को मिनिमम और अपने शेप को स्फेरिकल रखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहा है. Oh my God, किसी ज्ञान की तो जरूरत थी मेरे को अपने जीवन में. मेरे सुसु की शेप ऐसी क्यों होती है, बस यही तो जानना बाकी था. और भाई, अगर तुझे सुसु की शेप का एक्सप्लेनेशन देनी थी तो आटे का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? इसको देख के ना मेरे को एक शायरी याद आई है, अर्ज किया है. ये ऐसा जमाना है साहिब जहाँ लोग किसी के ज्ञान पर मूत देते हैं. ये ऐसा जमाना है साहिब जहाँ लोग किसी के ज्ञान पर मूत देते हैं. ये पहली बार देखा है कि किसी ने मूतने पर ज्ञान दिया है. तालियां. जी हाँ गाइस, आज हम ऐसी वीडियोस देखने वाले हैं जिनको देख के यू विल बी लाइक अरे यार शिट, व्हाट वाज दैट? रेड फ्लैग अलर्ट. अगर तुम्हारे बंदे के पास सोशल मीडिया है, ही इज चीटिंग ऑन यू. वो लड़कियों को फॉलो करता है, ही इज चीटिंग ऑन यू. अगर उसके पास फोन है, अगर वो पैरों में चप्पल पहनता है, ही इज चीटिंग ऑन यू. अगर बाल है उसके तो ही इज चीटिंग ऑन यू. अगर वो सांस लेता है, ही इज चीटिंग ऑन यू. अगर वो जिंदा है, ही इज चीटिंग ऑन यू. अरे क्या चाहती हो बहन? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये रूही रॉय, इफ यू गाइस डोंट रिमेम्बर, थोड़े टाइम पहले मैंने इन पे एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि ये सोशल मीडिया की सबसे महान इन्फ्लुएंसर है जो बहुत ज्यादा ज्ञान देती है. एंड हियर शी इज. तुम्हारा बंदा कुछ भी करता है, तुम्हारा बंदा है भी तो चीटिंग तो कर ही रहा है. मैं लिख के देता हूँ. हाय बेस्टीज, तो शादी का सीजन चल रहा है और मैंने किसी की शादी में स्नीक इन करा है. यस, बिना इनविटेशन के मैं शादी में आई. वेरी नॉटी. सबसे पहले गोल गप्पे और मेरी सच में बहुत फट रही थी. फिर हमने खाई ये पाव भाजी जो की बहुत ज्यादा अमेजिंग थी. मतलब इतनी अच्छी पाव भाजी मैंने शायद से खाई होगी. मैंने और भी चीजें मंगाई हैं, दही बल्ले, फ्रेंच फ्राइज, और मतलब मेरे को अंदर से इतना डर लग रहा था. मैं बता रही हूँ आपको, मैं खाना एंजॉय कर रही थी. खूब खाना, बहुत ज्यादा यम्मी था. शादी का खाना वैसे बहुत अच्छा होता है, बट ये वाला तो बहुत अलग ही नेक्स्ट लेवल ही था. मुझे तो बहुत पसंद आया. मैंने यहाँ पे चाइनीज प्लेटर मंगाया था जिसको मैं खा रही हूँ, और यू नो बेशर्मों की तरह, जैसे मेरी किसी की शादी है, बट इट्स नॉट. और स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लग रहा था, बट अब मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है. इतना कुछ खुशने के बाद हम चले गए कुछ पीने के लिए, और मैंने पिया नारियल पानी बिकॉज मैं एकदम हेल्दी बनने की ट्राई कर रही थी. इतना सब कुछ खुशने बाद नारियल पानी पी रही हूँ बिकॉज मैं हेल्दी होने का ट्राई कर रही हूँ. गोलगप्पे, समोसे, पाव भाजी, जलेबी, फाफड़ा, सब कुछ खाने के बाद अब मैं कोकोनट वॉटर पीऊंगी गाइस, बिकॉज आई एम ऑन डाइट. यू नो छोले भटूरे खाली है, आलू पूरी खाली है. अब इसके बाद एक ग्लास गर्म पानी पी लूंगा मस्त एकदम. आई एम ऑन डाइट. यू नो खाई रसमलाई, इसके बाद रसमलाई भी खाई है. Just trying to stay healthy, guys. ये एक अलग टाइप की डाइट होती है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं. ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है. और फिर आप एक कोकोनट वॉचर या गर्म पानी का ग्लास पी लेते हैं एंड फिर आप पतले हो जाते हैं. काफी कम स्टूडेंट कर पाए. ये मेरे जैसे हफ्ते में एक दिन जिम जाने वाले लड़के जो है ये बहुत अच्छे से समझते हैं. आई कैन रिलेट टू हर. लेकिन तुम सोचोगे यार हम रूही रॉय के बारे में क्यों बात कर रहे हैं. सो बेसिकली रूही रॉय जो है आजकल ट्रेंड में आ रखी है, क्योंकि वेरी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत ही कमाल की वीडियो पोस्ट करी. हाय बेस्टी, सो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं. या सो
बोलने में भी इतना अजीब लग रहा है एंड इसने उस चीज को व्लॉग किया है टूट लाइक लेजिट शी व्लॉग्ड इट. तो इस वजह से ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे जो है एकदम ही रेज हो गया कि यार इसने ऐसी वीडियो बनाई है. तो इसको बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. मीम पेजेस ने मीम्स वगैरह बनाए कुछ ऐसे. खा सकते हो बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो. और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट. तो ऐसे कुछ मीम्स बनने लगे. कुछ रोस्टर्स ने भी इसको रोस्ट करा एंड उसके बाद रूही रॉय ने बनाई रिस्पॉन्स वीडियो. वैसे भी तुम्हें पता है सोशल मीडिया की इंडिया में स्पेशली हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है रिस्पॉन्स वीडियोस की. पहले किसी ने एक बार एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई थी तो ऐप ही बंद हो गई थी. हाँ तो आइए इनकी रिस्पॉन्स वीडियो देखते हैं. एनीथिंग आई डू आई गेट हेट. मैं खाना खाती हूँ तो मुझे हेट मिल रहा है. मैं कुछ भी करती हूँ, अपने पापा के श्राद्ध का रिचुअल शेयर कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग हेट. रो रही है बेचारी. ये सारे सोशल मीडिया पे लोग मीम्स बना रहे हैं बेचारी पे, उसके ऊपर रोज वीडियोस बना रहे हैं. क्या गया था उसने, बुरा लग रहा है यार मेरे को. बेचारी रो रही है. अपने पापा के शरारत का रिचुअल शेयर कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग हेट. डू आई केयर? नो आई डोंट. मगरमच्छ के आंसू. मैं सच में यहाँ पे रो रहा था राहुल जी के लिए. मगरमच्छ के आंसू से रो रही है. शी फील्स सैड के उन्होंने जो करा उसके लिए शी सैड. बट ये तो सेंटर फिंगर दिखा गई रे. So, रवि जी ने ये अपने रिस्पॉन्स वीडियो में शी इज लाइक के आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आपने वो वाली वीडियो डिलीट क्यों करी, क्योंकि आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि लोग क्या बोल रहे हैं. और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो इस रिस्पॉन्स वीडियो के ही कॉमेंट्स क्यों डिसेबल्ड है. और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो 15 मिनट बाद इसी वीडियो में मजाक बना रहे हैं, उस वजह से आप रो रहे हो. पर आपने तो खुद ही बोला कि आपको फर्क नहीं पड़ता है. अरे ठीक है यार, तुमसे गलती हो गई. तुमने एक मिनी व्लॉग बनाया जिसमें तुमने कुछ ऐसी चीज दिखाई जो शायद नहीं दिखानी चाहिए थी. बिकॉज सोशल मीडिया है यार, सोशल मीडिया पे जितने लोग उतनी आवाज उतनी ओपिनियन, हर एक की अपनी ओपिनियन है. तुम्हारे लिए जो चीज नॉर्मल है वो चीज लोगों को शायद पसंद नहीं आई. उन्होंने तुम्हें उसकी वजह से शायद ट्रोल किया, तुम पर वीडियोस वगैरह बनाई. ऑल यू कुड हैव डन वाज से हाँ मुझसे गलती हो गई एंड जस्ट मूव ऑन. बट नहीं, हम रिप्लाई वीडियो बनाएंगे कि तुम ये है वो हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार. तो माय कंटेंट जहाँ पे ये सारे घटिया से मीम बन रहे हैं, जहाँ पे इन लोगों को तमीज नहीं है कि किसी ने अपने फादर को लॉस करा है और दे आर मेकिंग फन ऑफ इट. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मीम्स है दे आर नॉट मेकिंग फन ऑफ योर लॉस, दे आर मेकिंग फन ऑफ यू. वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमने एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई फॉर व्यूज. पूरे व्यूज के लिए, इसके लिए, उसके लिए. अच्छा बेटे, मैं उसमें अपने उसी वीडियो में अगर रोती ना, अगर मैं उस वीडियो में रोती तो उस वीडियो में जितनी रीच है ना उससे ट्रिपल रीच होती मेरी. याद रखना. अरे मोरी मैया, याद रखना. क्या याद रखना, तुमको इतनी बात नहीं समझ आती कि तुम्हें बस उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी थी. मैं रो के उस पे ज्यादा व्यूज ले सकती थी 3 गुना, पर मैंने वो नहीं करा. देखो मैं कितनी महान हूँ. अरे आप अपनी महानता वहाँ दिखाओ ना, ऐसी चीज पे वीडियो ही मत बनाओ. नहीं, मैं तो उस पे रो के ज्यादा व्यूज ले सकती थी बट मैंने नहीं करा. देखो आई एम सच अ रोल मॉडल, व्हाट अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर आई एम. बट व्हाई डू यू इवन हैव टू मेक अ वीडियो ऑन सच अ टॉपिक, दैट इज द आपको यही वाला रिचुअल नहीं शेयर करना चाहिए था. इसके अलावा आप अपने बर्थडे का रिचुअल, आप अपने फेस्टिवल्स का रिचुअल कुछ भी शेयर करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट प्रोबेबली इस चीज का रिचुअल नहीं शेयर करना चाहिए था. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हर एक की अपनी खुद की ओपिनियन होती है. Yes. आपकी अपनी खुद की ओपिनियन है और आपकी ओपिनियन में Exactly. You don't think it's wrong because it's your opinion, and I think your opinion is not what others want to hear. They have their own opinion. Your opinion is not their opinion. They're opinion is contradictory to your opinion, and that is why they are having a conflict of opinions. क्या बोल दिया? पता नहीं. मजाक तो तुम लोग ने बनाया, जो तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैंने मजाक बनाया, मजाक तुम लोगों ने बनाया है मेरे फादर की डेथ का.
फिर से बोलना। मजाक तुम लोगों ने बनाया है मेरे फादर की डेथ का। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये क्या है? ही कॉल मी डैडी, मी डैडी, देन ही लेफ्ट मी लाइक माई डैड। हिपोक्रेसी। तोलिए पड़े हैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे, देखो ऐसे होता है किसी के घर का डाइनिंग टेबल, इंसान दो मिनट बैठ के सांस भी नहीं ले सकता। और बेडरूम की हालत तो देखो माशाल्लाह, ये देखो कपड़े यहाँ पे चार चार दिन तक धुल के आएंगे, यहाँ पे चार चार दिन ऐसे ही पड़े। ये देखो फोन, मुझे पता था तुम फोन पे लगे हो। जब भी बोलो ना तुम्हारे फोन के लिए बस दो मिनट हो गए, सारा दिन तुम फोन पे लगे रहते हो और हमेशा बोले की दो मिनट हो गए। तो यार पहले घर का काम समेटो, पहले घर समेटो, घर के सारे कामों के लिए, सारे कामों के लिए, सारे कामों के लिए मेड लगी पड़ी है, सिर्फ तुम खाना बनाने को भी ढंग से नहीं करते। मैं तो यार परेशान हो गया, मैं तुमसे ना सच में बहुत इरिटेट हो चुका हूं। इरिटेट हो गए तो डाइवोर्स ले लो ना फिर। तलाक को अंग्रेजी में डाइवोर्स नहीं डिवोर्स कहा जाता है। इसकी सही प्रोनंसिएशन डिवोर्स होती है, डिवोर्स। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रुम को फॉलो करें। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अंकल आप महान है, आप हिंदुस्तान की शान है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं। क्या था ये, तो वो इंडियन टीवी एड्स की तरह है जहाँ पे पहले 30 सेकंड में पता ही नहीं चलता किस चीज की एड चल रही है। बस हीरो भाग रहा है, भाग रहा है, एक लड़की उसको ऐसे करके देख रही होती है, फिर भाग में पता चलता है वो तो जीन्स की एड थी। ये उसी की तरह अंकल आके रेज किए जा रहे हैं आंटी पे, तुम हाउस वाइफ हो, कपड़े नहीं समेटती, पूरे दिन कुछ काम नहीं करती। आंटी कहती है मेरा सिर्फ यही काम है, और मैं भी बोलने लगा था कि आंटी को हाउस वाइफ बना रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सारे कपड़े समेटेगी। अंकल आप भी तो कर सकते हो। एंड सडनली लाइक डिवोर्स ले लूंगा, वो कहती है डिवोर्स ले लो, एंड लाइक डिवोर्स नहीं डिवोर्स होता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रमोशन स्पॉन्सरशिप वीडियो आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। फ्रेंच टीवी शो इनवाइटेड पीपल विद अनयूजुअल लाफ्स टू सिट टुगेदर। अजीब अजीब सी हंसी वाले लोग। हंसी थी किसी की? यार शिट यार। अबे वो पी 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 किसी की हंसी थी वो लेचेट पी 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 पी। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज? भाई भाई की आवाज में इतना दुख था, इतना दर्द था, और उतना ही दुख दर्द भाई के दांतों में भी था। अरिजीत सिंह ऑफ भांडुप। अभी आवाज सुना है यहाँ पे, इनको सीटी सोडा भी कहा जाता है। सीटी सोडा, हाँ हाँ। परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया अंकल जी को, बिल्कुल जैसे मुझे होता है मेरे वीडियोस में। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड, मेक श्योर टू लाइक इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। सबसे पहले तो मैं वही बोलूंगी कि जो फर्स्ट जो टॉपिक था रोई रोए वाला, आई थिंक ये थॉट शायद दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ करके है। मतलब वो बोल सकती थी कि कुछ हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ चल रही है जिसकी वजह से लाइक ऐसा वाला खाना मंगवाना पड़ रहा है, ये भी बोल सकती थी। बट आई डोंट थिंक कि ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी था। बट इट्स टोटली अप टू हर कि उसको क्या दिखाना क्या नहीं, इट्स टोटली अप टू हर। कैसे कैसे अलग अलग जानवरों वाली आवाज़ से लोग हंस रहे थे, और वो इंग्लिश वाला, मतलब मैं दो मिनट तक तो ये सोच रही थी कि भाई हम देख क्यों रहे हैं इसको। फिर उसके बाद में वो जो वर्ड था उसको लेके भाई साहब कुछ भी एक वर्ड के पीछे पूरी। एंड या बाकी मुझे सही बताओ ना, तो जो फर्स्ट वाले जो दो वीडियोस थे ना वही मुझे सही लगे, बाकी तो आई डोंट थिंक लाइक ऐसा रेलेवेंट नहीं थे, कुछ कुछ मतलब नहीं था, आई डोंट थिंक। बट ठीक है, दिखा दिया, इट्स टोटली फाइन। बट सीरियसली बताऊँ तो हाँ, वो फर्स्ट वाला जिसकी वजह से अगर वो ये कह रहे कि वो वायरल हो रही है, तो आप कुछ भी कर लो, अगर आप अच्छा करोगे तो भी उसको लोग उल्टा उल्टा दिखा के और गलत तरीके से दिखाएंगे लोगों को, और फिर उसके बाद में लोग आपको गलत समझने लग जाएंगे। और कई बार ये होता है कि अगर आप गलत भी कर रहे हो ना, तो लोग उसको सीधा करके सही करके कि भाई नहीं ये तो बिल्कुल सही है, ये लोग उसको भी अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। तो 100 लोग 100 बातें, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने सही किया, नो
डेफिनेटली नॉट, वो टॉपिक बिल्कुल गलत था. बट मैं यही बता रही हूँ कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें, तो इफ़ यू आर इन सोशल मीडिया तो यू शुड नो कि अगर ये चीज़ डाली तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं. सो या दैट्स इट. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो मेक श्योर टू हिट अ लाइक बटन ऑन माई टुडेज वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. सो या दैट्स इट एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर गाइस एंड बाय.